सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मेरा नाम है अमोक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमोक अग्रवाल में। आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऑल न्यू 2022 हुंडई क्रेटा नाइट एडिशन के कंपैरिजन वीडियो के बारे में। नाइट एडिशन के अंदर हुंडई ने सिर्फ दो ही वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, एक है एस प्लस जो रिसेंटली नया वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि आप ये देख रहे हो। उसके अलावा जो एसएक्स ऑप्शनल आता था उसके अंदर भी आपको नाइट एडिशन मिलता है। एसएक्स ऑप्शनल नाइट एडिशन की वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, तो पूरी डिटेल रिव्यू इस गाड़ी के बारे में आप चैनल पे देख सकते हो और इस गाड़ी के बारे में भी चैनल में देख सकते हो। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एस प्लस और एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको डिफरेंसेस क्या क्या मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल रिव्यू होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लें। एंड थैंक यू सो मच जो भी आप मेरे वीडियोस के ऊपर रिस्पांस दिखाते हो, आपको कंपैरिजन वीडियो बहुत पसंद आती है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखते रहना, ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो वो है की के डिफरेंस की। एसएक्स ऑप्शनल के अंदर आपको ऐसी कुछ की मिलेगी जिसके अंदर आपको चार बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, प्रेस करके रखोगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप प्रेस करके रखोगे तो बूट रिलीज हो जाएगा। बाकी आपको पीछे हुंडई का लोगो मिलता है और ऐसी कीज़ मिलेंगी, दो कीज़ मिलती है, दोनों सिमिलर कीज़ मिलती हैं। तो एसएक्स ऑप्शनल में आपको ये की मिलेगी। और अगर बात करें एस प्लस वेरियंट के अंदर, इसके अंदर आपको ऐसी की मिलती है जिसके अंदर तीन बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का बटन। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया की का, जो आपको एस प्लस और एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर मिलती है। प्लस सेकंड डिफरेंस जो मिलता है वो की के ऊपर ही मिल जाता है, यानी कि आप इसको प्रेस करके रखोगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी एस एक्स ऑप्शनल। वहीं अगर एस प्लस की बात करूँ तो एस प्लस ऑन नहीं होती है। सेकंड डिफरेंस जो ट्रांसमिशन वाइज आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है वो है ट्रांसमिशन का, यानी कि एस प्लस वेरियंट आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी डीजल और पेट्रोल दोनों के अंदर। वहीं एस एक्स ऑप्शनल आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर। तो ये हुआ सेकंड डिफरेंस जो कि है ट्रांसमिशन का। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स एस एक्स ऑप्शनल के अंदर ऐसे मिलते हैं, जेके का आपको टायर मिलेगा प्लस रेड कैलिपर्स मिलेंगे। वहीं अगर S प्लस वेरिएंट की बात करता हूँ तो S प्लस वेरिएंट के अंदर आपको कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ब्लैक्ड आउट मिलते हैं, कैलिपर्स के साथ मिलेंगे लेकिन डिज़ाइन आपको डिफरेंट मिलता है। इनका प्रोफाइल 205/65R16 है। वहीं अगर इनके प्रोफाइल की बात करता हूँ 215/60R17, ये आपको 17 इंचेस के मिलेंगे, ये आपको 16 इंचेस के मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो जब आप S प्लस को लॉक करते हो तो आपको ऐसा हॉर्न की आवाज़ आती है, और अगर हम एस एक्स ऑप्शनल की बात करें तो आपको ऐसी हॉर्न की आवाज़ आती है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों है, लेकिन इसमें तो बहुत बुरा लग रहा है और इसके अंदर बहुत प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है हॉर्न का। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपको एस एक्स ऑप्शनल नाइट एडिशन के अंदर रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वहीं आपको एस प्लस वेरियंट के अंदर रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। उसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको एस एक्स ऑप्शनल के अंदर फ्रंट डो एयरबैग्स प्लस साइड कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं अगर एस प्लस वेरिएंट की बात करूँ तो एस प्लस वेरिएंट के अंदर आपको खाली डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको एस प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, मैनुअल ही मिलता है। वहीं आपको एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ऑटोक्रोमिक ORVM मिल जाता है, IRVM मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, SOS फंक्शन के साथ मिलता है। प्लस आपको इसके अंदर ब्लूलिंक का फीचर भी मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको SX ऑप्शनल के अंदर आइसोफिक चालशीट्स माउंट मिलते हैं, वहीं आपको S प्लस वेरिएंट के अंदर आइसोफिक चालशीट्स माउंट नहीं मिलते। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपको सीट बेल्ट एडजस्टर नहीं मिलेगा एस प्लस वेरिएंट के अंदर, वहीं आपको SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर सीट बेल्ट एडजस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो आपको एस एक्स ऑप्शनल के अंदर पडल लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है विद वेलकम फीचर, ये आप देख सकते हो। वहीं आपको एस प्लस वेरिएंट के अंदर पडल लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें दोनों गाड़ियों के अंदर तो सबसे पहले आपको एस प्लस वेरिएंट के अंदर लेदर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील ही मिलता है, डी कट मिलता है लेकिन आपको लेदर नहीं मिलेगा। वहीं आपको एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है रेड कलर की स्टिचिंग के साथ।
नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हो एम्बियंट लाइटिंग, SX ऑप्शनल में आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें S प्लस वेरियंट की, तो S प्लस वेरियंट में आपको कोई भी एम्बियंट लाइट नहीं मिलती है। सीट अपोल्स्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको लेदर अपोल्स्ट्री तो नहीं मिलती S प्लस वेरियंट के अंदर, फैब्रिक अपोल्स्ट्री मिलेगी ब्लैक और ग्रे और रेड स्टिचिंग के साथ। वहीं आपको SX ऑप्शनल वेरियंट के अंदर प्रॉपर प्योर लेदर अपोल्स्ट्री मिलती है, परफोरेटेड लेदर मिलता है रेड कलर की स्टिचिंग के साथ, जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। प्लस आपको ये कुशन्स SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर मिलेंगे, हेडरेस्ट पे जो कुशन्स मिलते हैं वो आपको S प्लस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते आपको इसके अंदर S प्लस वेरिएंट के अंदर, वहीं SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों के नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको SX ऑप्शनल के अंदर स्कफ प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रीमियम लुकिंग स्कफ प्लेट मिलती है आपको। वहीं S प्लस वेरिएंट के अंदर आपको स्कफ प्लेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों के नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो इंटीरियर्स में चलते हैं। इंटीरियर्स में SX ऑप्शनल के अंदर आपको 10 इंचेस का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल मिलेगा, उसके अलावा आप ये देख सकते हो एयर प्योरीफायर मिलता है आपको, वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, ड्राइविंग मोड्स के ऑप्शंस मिलेंगे, पार्किंग ब्रेक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है, प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा और ये कैमरे का बटन मिलता है। वहीं आपको S प्लस वेरिएंट के अंदर ये कोई से भी फीचर्स नहीं मिलते। S प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल मिलेगा, बाकी और कोई भी फीचर्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, यानी कि जब भी आप कार को लॉक करोगे तो विंग मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड या अनफोल्ड हो जाएंगे। तो पहले इसमें ट्राई करते हैं, ये देखिए ये हो गए, और इसमें ट्राई करते हैं तो ये देखिए नहीं हुए, यानी कि SX ऑप्शनल के अंदर आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिलेंगे, वहीं आपको S प्लस वेरियंट के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलते हैं। वहीं नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पावर सीट्स नहीं मिलती S प्लस वेरिएंट के अंदर, मैनुअल एडजस्ट के साथ ही आपको सीट्स मिलेंगी। वहीं आपको SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर पावर एडजस्ट का सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपको रियर में आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। वहीं आपको S प्लस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको SX ऑप्शनल के अंदर 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन मिलता है, वहीं S प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता, बेंच स्टाइल टीटी मिलती है तो फ्लैट डाउन हो जाती है सिंगल बार में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप फंक्शन के साथ नहीं मिलता S प्लस वेरिएंट के अंदर, वहीं SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड विंडो वन टच अप वन टच डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको प्रीमियम बोस के स्पीकर्स मिलते हैं विद सबवूफर, वहीं आपको S प्लस वेरिएंट के अंदर प्रीमियम बोस के स्पीकर्स नहीं मिलते। सो यही कुछ मेजर डिफरेंसेस मिलते हैं आपको क्रेटा SX ऑप्शनल नाइट एडिशन के अंदर और S प्लस नाइट एडिशन के अंदर, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। बाकी अगर प्राइसेस की बात करते तो प्राइसेस आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रही है दोनों गाड़ियों की, तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप S प्लस पे जा सकते हो, और अगर आपके पास पूरा बजट है तो आप S प्लस में जाइए, जितने ज़्यादा फीचर्स उतना ज़्यादा मज़ा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। तो फिर चलिए वीडियो एंड करते हैं उसी नोटिस के साथ, गाड़ी के बाहर सड़क के ऊपर कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे और रोकेंगे उन लोगों को और टोकेंगे उन लोगों को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन के लिंक मिल जाएंगे, जैसे जाकर आप इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हो, चाहिए परचेज करिए इनको और यूज़ करिए। तो फिर चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।